बेरसिया में गौशाला में मृत गायों की आग ठंडी ही नहीं हुई थी और टीकमगढ़ जिले में गौशाला की लापरवाही का एक और बड़ा मामला हम उजागर करने जा रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के पपोरा में बनी दयोदय गौशाला में सैकड़ों गायों का मरना अनवरत जारी है। इस गौशाला में अभी तक एक माह के अंदर 100 से ऊपर गायों की मौत हो चुकी है। अब ये गाय भूख से मरी या ठंड से, जो एक जांच का विषय बना हुआ है। गौशाला प्रबंधन ने इन मरी गायों को छिपाने के लिए 2 किलोमीटर दूर रमन्ना के जंगल में फिकवाया जाता, जिससे गौशाला की कमियों को छिपाया जा सके। तभी तो हम कहते हैं कि आखिर क्या वजह रही, जब यह जंगल गायों की लाशें क्यों उगल रहा, और इन मृत गायों को कभी कुत्ते नोचते, और यह मृत गाय और उनके कंकाल 1 किलोमीटर के एरिया में दिखाई देते हैं, जो एक गंभीर मामला है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। देवोदय गौशाला के जो अनियमितताएं अभी देखी हैं कि वहां रमन्ना के पास में ही जो उनका जंगल है, वहां पे 100-200 गायें मृत पड़ी हुई हैं, कहीं 4 कहीं 6। तो ऐसी गौशालाएं जहां गौ सेवा का नाम है, लेकिन उनकी मोटी रकम वहां की प्रबंधन समिति के द्वारा हड़प की जा रही है, कोई व्यवस्थित गौ सेवा नहीं हो रही। तो हम यही राज्य शासन से, केंद्र शासन से यही कहेंगे, ऐसी गौशाला की जांच की जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसी गौशालाएं जो केवल फर्जी तरीके से चल रही हैं, जिन पर केवल लूट घसूट हो रही है, ऐसी इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग, राज्य शासन से निवेदन है। और गौ सेवा यदि हो रही है तो उस गौ सेवा के लिए प्रोत्साहन मिले, और यदि नहीं हो रही है तो उसके लिए फिर दंडात्मक कार्रवाई हो, यही हमारा आग्रह है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।